हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का, जो कि मैच नंबर 13 है। क्वेटा ग्लेडिएटर्स बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। इसमें फैंटेसी टिप्स क्या हैं, पिच रिपोर्ट कैसी है, आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना फ्रेंड्स। जो भी फाइनल हमारा अपडेट होगा आपको लास्ट 30 मिनट में टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो अभी तक भी आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेता हूं इस मैच में। तो बता दूं दोस्तों, इस मैच में 5000 रुपये का फ्री गिफ्ट रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो आपको 500 रुपये का फ्री गिफ्ट दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो जल्दी से जाइए पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बात करता हूँ यहाँ पर मैच वेन्यू की। तो दोस्तों बता दूँ, ये मैच नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान में खेला जाएगा। यहाँ के पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो ये बैटिंग पिच है। अभी तक टोटल यहाँ 11 मैचेस खेले गए हैं। जिन्होंने बैटिंग फर्स्ट किए उन्होंने 7 मुकाबले जीते हैं, जिन्होंने बॉलिंग फर्स्ट किए उन्होंने 4 मुकाबले जीते हैं। जो एवरेज स्कोर रहा है दोस्तों इस पिच का, वो 189 रहा है फ्रेंड्स। बात करता हूँ यहाँ की वेदर रिपोर्ट की। तो बता दूँ, जो कराची का टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 32 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है दोस्तों जिस दिन मैच होगा, और 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड। नेक्स्ट बात करता हूँ फ्रेंड्स नेशनल स्टेडियम के अभी तक की स्कोर रिकॉर्ड की। तो टोटल मैचेस 11 खेले गए हैं। जिन्होंने बैटिंग फर्स्ट किए उन्होंने 7 मुकाबले जीते हैं, जिन्होंने बॉलिंग फर्स्ट किए उन्होंने 4 मुकाबले जीते हैं। परसेंटेज की बात करूं दोस्तों, तो बैटिंग फर्स्ट वन 63% एंड बॉलिंग फर्स्ट वन 36%। फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर रहा है 189 रहा है दोस्तों, और सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 148। हाईएस्ट टोटल अभी तक का 221 3 विकेट के साथ है, और लोवेस्ट टोटल 60 10 विकेट के साथ है फ्रेंड। हाईएस्ट चेज जो स्कोर रहा है 208 3 विकेट के साथ रहा है, और लोवेस्ट डिफेंडेड 166 4 विकेट के साथ रहा है दोस्तों। बात करता हूँ दोस्तों यहाँ के क्वेटा ग्लेडिएटर्स की प्लेइंग 11 की। तो बता दूं दोस्तों, मार्टिन गप्टिल, अब्दुल वंगजाय, जैसन रॉय, मोहम्मद हफीज, अख्तिवार अहमद, मोहम्मद नवाज, ओडियन स्मिथ, सरफराज अहमद जो कि दोस्तों कप्तान है और साथ ही में विकेट कीपर हैं क्वेटा ग्लेडिएटर्स के, नसीम शाह, मोहम्मद असनैन और क्वेस अहमद। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट बात करता हूँ फ्रेंड्स इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेइंग 11 की। तो रहमुल्ला गुरबाज जो कि विकेट कीपिंग करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की ओर से, कॉलिन मोर्नो, राशिद अर्दोसन, शादाब खान जो कि दोस्तों कप्तान है इस्लामाबाद के, आसिफ अली, आजम खान, मुबासिर खान, फहीम अशरफ, टॉम करन, हसन अली और रोमन रेज। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट बात करता हूँ फ्रेंड्स ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की। तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स गुड फॉर्म में है तो इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर टॉस प्रेडिक्शन की, जो आज का टॉस है वो कौन जीत सकता है। तो अकॉर्डिंग टू पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन, जो टॉस जीत सकती है दोस्तों वो इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉस जीत सकती है और पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है फ्रेंड्स। बात करता हूँ फ्रेंड्स क्वेटा ग्लेडिएटर्स बनाम इस्लामाबाद मैच एक्सपर्ट एडवाइस की। तो मोहम्मद असनैन को आप एज अ स्मॉल लीग में कैप्टन के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं। मार्टिन गप्टिल जो कि दोस्तों एज अ कैप्टन आप इनको जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। क्वेटा ग्लेडिएटर्स बनाम इस्लामाबाद हेड टू हेड मुकाबले की बात करूं दोस्तों, तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स 8 मुकाबला जीता है और इस्लामाबाद 7 मुकाबला जीता है फ्रेंड्स। बात करूँ यहाँ पर फ्रेंड्स विनिंग प्रिडिक्शन की, तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। तो आप जो इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, तो आप सबसे ज़्यादा जो प्लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं वो आप क्वेटा ग्लेडिएटर्स से अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेटा ग्लेडिएटर्स के कुछ मुख्य खिलाड़ी इनको आप अपनी ड्रीम टीम में जरूर सिलेक्ट करिए। मोहम्मद हफीज़ जिन्होंने 62 फैंटेसी पॉइंट गेन किए हैं, आप इनको अपनी ड्रीम टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। मोहम्मद नवाज, सरफराज अहमद, जैसन रॉय, मार्टिन गप्टिल जो कि अभी तक PSL सीजन 8 में 231 फैंटेसी पॉइंट गेन कर चुके हैं, तो आप इनको अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। बात करता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की कुछ मुख्य खिलाड़ी की जिनको आप अपनी ड्रीम टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। शादाब खान, फहीम अशरफ, रहमुल्ला गुरबाज, हसन अली। हसन अली दोस्तों बता दूँ अच्छे बॉलर हैं, ये ज़्यादातर मैचों में 1-2 विकेट हासिल कर लेते हैं, तो आप इनको अपनी ड्रीम टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलिन मुर्नो भी दोस्तों अच्छे बल्लेबाज हैं पाकिस्तान सुपर लीग 8 में दोस्तों, इनको परफॉर्मेंस अच्छा रहा था देखने का। तो बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर क्वेटा ग्लेडिएटर्स बनाम इस्लामाबाद कैप्टन एंड वाइस कैप्टन जो है इसकी।
तो मोहम्मद हफीज़ एज अ वाइस कैप्टन आप स्मॉल लीग में सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। शादाब खान क्योंकि 84 फैंटेसी पॉइंट इन्होंने हासिल किए हैं, तो आप इनको ड्रीम टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। मोहम्मद नवाज जो कि 120 फैंटेसी पॉइंट गेन कर चुके हैं दोस्तों, आप इनको अपनी ड्रीम टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसन रॉय 137 फैंटेसी पॉइंट गेन किए हैं, तो आप इनको अपनी ड्रीम टीम में जरूर सिलेक्ट करिए फ्रेंड्स। कॉलिन मोरनो एज अ वाइस कैप्टन दोस्तों, आप इनको ग्रैंड लीग में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने 158 फैंटेसी पॉइंट गेन किए हैं दोस्तों, तो आप इनको अपनी ड्रीम टीम में एज अ वाइस कैप्टन जरूर सिलेक्ट करिए दोस्तों। राशि वर्धन जो कि 147 फैंटेसी पॉइंट गेन कर चुके हैं, तो आप इनको अपनी फैंटेसी टीम में एज अ कैप्टन जीएल में दोस्तों जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं, वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए दोस्तों 6 जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में आप खिलाड़ी इनको सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। बात करता हूँ फ्रेंड्स अपनी फैंटेसी टीम की, तो दोस्तों बता दूँ मैंने अपनी फैंटेसी टीम में विकेट कीपर में एक खान को सिलेक्ट किया है, बैट्समैन में मैंने कॉलिन मोरनो, जैसन रॉय, मार्टिन गप्टिल और राशि वर्धन दुसन को दोस्तों मैंने अपनी फैंटेसी टीम में सिलेक्ट किया है। ऑलराउंडर में बात करूं दोस्तों, तो ऑलराउंडर शादाब खान, मोहम्मद नवाज, एम आर फरीज दोस्तों मैंने ये तीन ऑलराउंडर अपनी फैंटेसी टीम में सिलेक्ट किए हैं। बॉलर में मैंने एम एंडर्स, नासिम शाह, टॉम करन को दोस्तों मैंने तीन बॉलर अपनी फैंटेसी टीम में सिलेक्ट किए हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करूं, तो कैप्टन मैंने शादाब खान को बनाया, वाइस कैप्टन दोस्तों मैंने अपनी फैंटेसी टीम में जैसन रॉय को बनाया है फ्रेंड्स। जो भी फाइनल अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो अभी तक भी आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पकड़ दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ऐसे आपके लिए फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन लाता रहूँगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।